अलैकुम। अच्छा, अब हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ डिलीरियम। ठीक है, डिलीरियम जो है वो क्या होती है? टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मसला आ रहा होता है, एक कन्फ्यूजन होती है पेशेंट को और कन्फ्यूजनल स्टेट होती है। ठीक है, इसको एक्यूट ऑर्गेनिक साइकोसिस भी कहते हैं और इसको जो है वो एक इसका और नाम है एक्यूट ब्रेन फेलियर। ठीक है, तो एक्यूट ये होता है और इसमें कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें डिलीरियम तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें होता क्या है? इसमें इम्पेयरमेंट होती है, इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। सबसे बेसिक चीज़ तो ये कि इम्पेयरमेंट होगी अटेंशन की, और इसके साथ अकॉम्पनीड बाई, यानी इसके साथ साथ और क्या होता है, तो इसके साथ परसेप्शन की और मूड की भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं इसके साथ ऑफ मूड एंड परसेप्शन। तो इस तरह से आप डिलीरियम को डिफ़ाइन कर सकते हो कि अटेंशन का जो है वो इम्पेयरमेंट हो गई है, साथ एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मूड एंड परसेप्शन। साइकोटिक है, सबसे कॉमन ये मसला आता है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उन लोगों में बहुत कॉमन होता है डिलीरियम। ठीक है, डिलीरियम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, मतलब हॉस्पिटल में हैं अगर तो फिर भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिलीरियम के चांसेस बढ़ा देती हैं? अगर हम उन फैक्टर्स को ख़त्म कर दें तो कम चांसेस होते हैं डिलीरियम के। अब वो वाले फैक्टर्स, सबसे पहले तो एक्सट्रीम ऑफ एज, यानी या तो जो बच्चे होते हैं छोटे उनमें, और या जो ओल्ड एज होती है। ठीक है, एक्सट्रीम्स ऑफ एज। अब इसलिए क्योंकि बच्चों में एक तो ब्रेन की डिवेलपमेंट चल रही होती है, तो डिवेलपिंग ब्रेन में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिवेलप होने के डिलीरियम के, और जो ओल्ड एज में हो जाते हैं उन लोगों में डिट्यूरेट हो रहा होता है ब्रेन। तो डिट्यूरेटिंग ब्रेन में, मतलब जो ब्रेन डिट्यूरेट हो रहा है और जो ब्रेन डिवेलप हो रहा है उसमें डिलीरियम के चांसेस ऑफ एज हो गई। उसके बाद सेकेंड, अगर तो ब्रेन को कोई डैमेज है। ठीक है, डैमेज ब्रेन है, जैसे डिमेंशिया वगैरह है, अगर किसी को डिमेंशिया है तो उसमें भी डिलीरियम के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। नंबर थ्री जो होता है, अगर किसी को हेड इंजरी है, ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज तो है पेशेंट लेकिन साथ उसको हेड इंजरी है, कोई भी प्रीवियस हेड इंजरी है, तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर अल्कोहल ब्रेन डैमेज हो, ठीक है, उस केस में भी डिलीरियम के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हो ऐसा कि किसी अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में पेशेंट को रहना पड़े, अब अनफेमिलियर इन्वायरमेंट इसीलिए हॉस्पिटलाइज सेटिंग्स का बताया उन्होंने कि हॉस्पिटल में ये ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में भी अनफेमिलियर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में अगर कोई पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि वो डिलीरियम डिवेलप कर ले। उसके अलावा स्लीप डिप्रीवेशन, स्लीप डिप्रीवेशन का हमने डिप्रेशन में भी देखा था और स्लीप डिप्रीवेशन यहाँ पर भी है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट। अगर नज़र सही नहीं आ रहा किसी को या सुनाई सही नहीं दे रहा और वो हॉस्पिटलाइज्ड है और इन्वायरमेंट भी अनफेमिलियर है, वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पर है, उसको कोई हेड इंजरी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें डिलीरियम डिवेलप हो जाएगा। अब हम डिलीरियम की बात करें तो हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, मतलब क्या साइंस एंड सिम्टम्स समझ लें आप, इसमें क्या मिलेंगे डिलीरियम में। सबसे पहली चीज़, सबसे मेन पॉइंट आपने याद रखना है, वो याद रखना है कि डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये वर्ड अगर किसी सिनेरियो में आ रहा है तो आपको फ़ौरन से आपका माइंड डिलीरियम की तरफ जाना चाहिए, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, होता क्या है, डिसओरिएंटेशन हो जाती है। डिसओरिएंटेशन यानी उसको ये समझ नहीं आती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, इस वक्त क्या टाइम है। डिसओरिएंटेशन हो जाती है टाइम की भी, प्लेस की भी। ठीक है, और एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है डिलीरियम की सिनेरियो में, वो ये होती है कि इसकी सिम्टम्स जो होती है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं ओवर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद इसकी सिम्टम्स जो है फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक तो डिसओरिएंटेशन होगी ना कॉन्शियसनेस की, इसके अलावा स्लोनेस होती है, ठीक है, पेशेंट में इरिटेबिलिटी होती है, एजिटेशन होती है, इरिटेबिलिटी और एजिटेशन, ये भी वर्ड दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सिनेरियो के लिए। उसके अलावा परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है, परसेप्शन सही नहीं रहती उसकी, जैसे मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में भी बताया था कि परसेप्चुअल और मूड की एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। उसके अलावा स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब्ड है, और विजुअल परसेप्शन और ऑडिटरी परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ है वो ये कि साइकोमोटर रिटार्डेशन, तो साइकोमोटर रिटार्डेशन भी आती है, और उसके अलावा पर्पसलेस मूवमेंट करता रहता है वो पेशेंट, अपने हाथों को पाँव को वैसे ही बगैर किसी मकसद के वो हिलाता रहता है। ठीक है, अच्छा, डिलीरियम के ना कॉज की अगर हम बात करें, एटियोलॉजी की बात करें, डिलीरियम के बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारी इसकी ना आप समझ लें
वजह है बन सकती हैं, कॉजेज़ के बहुत सारे हैं। सबसे पहले होता है जी ड्रग इंटॉक्सिकेशन। अब अगर वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है तो बहुत सारी ड्रग्स भी ले रहा होगा, उनमें से किसी ड्रग की वजह से उसे डिलीरियम होने के चांसेस होते हैं। मेनली कौन सी ड्रग्स होती हैं, अल्कोहल होती है, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक अगर वो ले रहा है, एंटीकोलिनर्जिक्स, उसके अलावा एंजियोलिटिक्स, ठीक है, एंजियोलिटिक्स जो एंजाइटी के लिए ड्रग्स लेते हैं, उसके अलावा जो सीडेटिव हैप्नोटिक्स होते हैं उनके साथ भी डिलीरियम के चांसेस बहुत सारे होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई ले रहा है तब भी उसको चांस होते हैं डिलीरियम के, ठीक है। उसके अलावा जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और कुछ इंडस्ट्रियल पॉइजन्स जो हैं, आप लोगों ने जब टॉक्सिकोलॉजी पढ़ी होगी उसमें भी आपने बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स में डिलीरियम पढ़ा होगा, तो कुछ इंडस्ट्रियल पॉइजन्स के साथ भी डिलीरियम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए जी ड्रग इंटॉक्सिकेशन। इसके अलावा अगर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज है, मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी का उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है तब भी डिलीरियम के चांसेस होते हैं। अब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज कौन सी होती हैं, जैसे लाइक यूरेमिया हो गया है किसी को, या उसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा, लीवर फेलियर हो गया है, ठीक है, या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर रहा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, या उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, उस केस में भी डिलीरियम हो सकता है। और डिहाइड्रेशन अगर हो गई है तब भी तो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा ना, डिहाइड्रेशन की केस में, और एनीमिया अगर किसी को है तो इन सब केसेस में भी, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में भी डिलीरियम हो सकता है। उसके बाद जी एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेस, कुछ एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ मसला हो गया। अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या मसला हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है अगर किसी को तब भी बहुत चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर हाइपो या हाइपर थायरॉइडिज्म है तब भी डिलीरियम के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम में भी, तो ये मेन जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं ना एंडोक्राइन सिस्टम के वो आपने लिख देने हैं। अच्छा जी, लास्ट जो इसका इसके कॉज में आता है वो आता है इंट्राक्रेनियल कॉजेज, मतलब क्रेनियम के अंदर ब्रेन रिलेटेड कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से डिलीरियम हो सकता है। तो इंट्राक्रेनियल कॉजेज कौन से होते हैं, इंट्राक्रेनियल कॉजेज में आ जाता है सबसे पहले इंट्राक्रेनियल इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अगर इंट्राक्रेनियल इन्फ्लेमेशन है तो तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिलीरियम के। इसके अलावा अगर जो है वो वैस्कुलाइटिस हो गया है, सही हो गया, और हेड इंजरी का मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में भी कि अगर हेड इंजरी है तब भी इसके चांसेस होते हैं। इसके अलावा एपिलेप्सी है अगर किसी को, और अगर कोई ना हैमरेज हुआ है ब्रेन में, जैसे सब एरेकोनोइड हैमरेज है, ठीक है, तब भी डिलीरियम हो सकता है। उसके अलावा अगर थ्रोम्बोसिस है, जितने भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ आपको नाम आती है ना तकरीबन उन सबसे ही हो सकता है थ्रोम्बोसिस है। अगर नियोप्लास्टिक कोई ब्रेन में, मतलब कोई न्योप्लेजिया हो गया है, कोई न्योप्लाज्म बन रहा है, कैंसर वगैरह, मेनिनजाइटिस है, तो जितनी भी आपको डिजीज़ पता है ना ब्रेन रिलेटेड ऑलमोस्ट सबसे ही डिलीरियम हो सकता है। उसके अलावा उसे ये भी बताया कि जो विटामिंस हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है उससे भी डिलीरियम हो सकता है, थायमिन वगैरह की डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जनरली अगर हम देखें तो स्लीप किसी की सही नहीं है, जैसे मैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में पढ़ा था स्लीप डिप्रिवेशन है तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डिलीरियम के कॉजेज हमने देखा कि कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि डायग्नोस कैसे करना है। अब आपके पास पेशेंट आया है तो कौन से ऐसे मेन फीचर्स हैं जिनको देखकर आप डायग्नोस कर सकते हो, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको पता चल सकता है कि ये डिलीरियम का ही पेशेंट है। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसको अवेयरनेस नहीं होती इन्वायरमेंट की। सबसे मेन फैक्टर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कॉन्शियसनेस नहीं होती, डिसोरिएंटेशन हो जाती है, उसको अपने एनवायरनमेंट की अवेयरनेस नहीं होती। दूसरी चीज़, उसकी फोकस करने की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है या इवन ख़त्म हो जाती है, ठीक है, फोकस नहीं हो रहा होता उसे। उसके बाद उसके जो है वो कॉग्निशन में भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, चेंजेस आ जाते हैं उसके कॉग्निशन में भी। उसके बाद जो है वो मेमोरी भी उसकी डैमेज हो सकती है, ठीक है, मेमोरी में भी डिसओरिएंटेशन भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगेन वही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तकरीबन बार बार, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ऑडिटरी या विजुअल परसेप्शन उसकी ठीक नहीं है। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसके सिम्टम्स फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशन होती है सिम्टम्स की ओवर 24 आवर्स, ठीक है, 24 घंटे के बाद इसकी सिम्टम्स दोबारा वापस आती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ना कि भाई डिलीरियम डायग्नोस कैसे करना है। अब अगर डायग्नोस हो गया है तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी, ठीक है, पता चल गया कि पेशेंट डिलीरियम का है तो उसको मैनेज कैसे करना है। अब मैनेजमेंट जनरल भी होती है और मैनेजमेंट जो है वो ड्रग रिलेटेड भी होती है, ड्रग्स भी कुछ देनी पड़ती हैं। जनरल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप जो है वो पेशेंट को
पेशेंट का जो डिस्ट्रेस है उसको रिलीव कराओगे, ठीक है, पेशेंट टेंशन ना ले, उसकी एजिटेशन को ख़त्म कराना है। और इन सब को ख़त्म कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट उसको एक्सप्लेनेशंस देनी होंगी, ठीक है, उससे बात करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको रीअश्योरेंस करानी है, ठीक है। जैसे रीअश्योरेंस हमने पहले भी बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस में देखा है। उसके अलावा जो पेशेंट की फैमिली है, पेशेंट की फ्रेंड्स हैं, अगर वो फ्रीक्वेंटली विजिट करें पेशेंट को तो बहुत जो है फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो उनको फ्रीक्वेंटली विजिट करना चाहिए, फैमिली को और फ्रेंड को। और इसके अलावा जनरल मैनेजमेंट में ये भी पॉइंट आ जाता है कि पेशेंट को एक क्वाइट और डार्क रूम में रखा जाए, ठीक है। तो क्वाइट सिंगल रूम में, डार्क मैं कह रही हूँ, सॉरी, डार्क नहीं होना चाहिए, क्वाइट सिंगल रूम में, लाइट होनी चाहिए प्रॉपर रूम में, लेकिन कोशिश करें कि वो अकेला ही उस कमरे में, ताकि उसको सेंसरी डिप्रिवेशन जो हुई है उस चीज़ को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। अच्छा जी, अब ड्रग्स जो देनी है, ड्रग्स ऐसे चीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं है, एंटीसाइकोटिक्स दी जा सकती हैं, ठीक है, हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर नेसेसरी हो तो आप एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, तो सिर्फ ये ड्रग्स हैं जो मेनली इसमें दी जाती हैं। वैसे ऐसे चीज़ में ड्रग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जनरल मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस ये डिलीरियम हमारा ख़त्म हो गया।